फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षिल रावल। आई एम एप्लीकेशन इंजीनियर इन बीकॉन अहमदाबाद। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि सॉलिड वर्क्स के अंदर पार्ट मॉडलिंग के फीचर्स। तो पार्ट मॉडलिंग के फीचर्स बनाने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल 2D ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्राइंग बना हुआ है मेरे पास, उसको ही मैं ओपन करता हूँ और उसके मदद से हम 3D मॉडलिंग बनाते हैं और सीखते हैं। तो उसके लिए हमने पहले तो स्केच बनाया है ऐसा। अब स्केच को क्या करना है, हाइट देना है। तो उसके लिए स्केच में जाना है, यहाँ से फीचर्स में जाना है और फीचर्स में जाके आपको हाइट देना है, इसलिए एक्सट्रूडेड बॉस या बेस लेंगे हम। तो यहाँ पे अलग बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, वो भी हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन है ब्लाइंड। ब्लाइंड यानी क्या कि एक साइड हाइट लगेगा, जितने भी हाइट आप दोगे लाइक 100 mm या जो भी है यूनिट्स, तो उतनी हाइट वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। अभी मेरा डायरेक्शन किस साइड है, अपर साइड है। ये ऑलवेज नॉर्मल व्यू के साइड ही बनेगा हाइट। अगर आपको फ्लिप साइड चाहिए, ऑपोजिट साइड एक्सट्रूड चाहिए, तो मैं यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ, तो वो हमारे प्लेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मुझे अभी ऊपर की साइड ही चाहिए, तो इसीलिए मैं रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रखता हूँ और मुझे यहाँ पे से जितने mm का हाइट चाहिए वो हाइट डाल दूंगा मैं। अब ये पहला ऑप्शन ब्लाइंड। वैसे ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, अलग अलग अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस। ये चार ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं मिड प्लेन। मिड प्लेन यानी क्या कि 50 mm है तो 25 mm ऊपर और 25 mm नीचे, मीन्स बोथ साइड वो 25 हाफ डिवीजन में कन्वर्ट कर देगा फ्रेंड्स। तो आपको जितनी हाइट चाहिए वो हाइट भी ले सकते हो। ते हुआ मिड प्लेन और ब्लाइंड। अब फ्रेंड्स ये इसको ओके कर देना है और वापस मुझे इस ये फीचर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और एडिट फीचर में जाके वापस मैं ऐड कर सकता हूँ। वापस मैं ब्लाइंड लेता हूँ। अभी मुझे ये प्लेन से यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तो मेरा स्केच प्लेन है, मीन्स जो प्लेन पर हमने वर्क किया है वो प्लेन है, मुझे वो नहीं चाहिए, ऑफसेट चाहिए उससे। कितना ऑफसेट कि लाइक मान लो कि 20-30 mm ऊपर मुझे प्लेन से ऊपर वर्क करना है, तो मैं यहाँ से ऑफसेट दे लूँगा। रिवर्स डायरेक्शन भी ले सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो नीचे की साइड वो ऐड होगा, बट हमको रिवर्स डायरेक्शन नहीं चाहिए इसलिए हम ऑफ रखेंगे। तो यह हुआ हमारा ऑफसेट सरफेस। मैं यहाँ से स्केच को ओके कर देता हूँ। अभी जो फेस पे आपको काम करना है वो फेस सिलेक्ट कर देते हैं, लाइक मुझे ये फेस पे काम करना है तो वो फेस ले लेता हूँ, स्केच ले लेता हूँ और नॉर्मल भी ले लेते हैं। अभी मुझे ऐसा स्केच को एक्सट्रूड करवाना है, वापस हाइट देना है कोई सरफेस या वर्टेक्स तक, तो हम फीचर्स में जाके एक्सट्रूड में जाएंगे और हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है थ्रू ऑल। थ्रू वॉल क्या करेगा, अभी तो हमारा डायरेक्शन ये साइड है तो थ्रू वॉल वो लेगा नहीं, इसलिए हमको फ्लिप डायरेक्शन करना पड़ेगा। थ्रू वॉल मीन्स लास्ट तक जो सरफेस है हमारी फेस है वहाँ तक वो एक्सट्रूड होगा। दूसरा है अप टू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सरफेस जो हमारी है ये बॉडी है वहाँ तक जाएगा। उसके बाद है अप टू वर्टेक्स, मैं कोई वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा, लाइक मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ, वर्टेक्स या एज आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ तक वो एक्सट्रूड होगा। उसके बाद है अप टू सरफेस, मैं ये सरफेस तक एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो वो फेस सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आता है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये मैंने फेस लिया है उससे कितना ऑफसेट चाहिए मुझे कि 10 ऑफसेट, तो वो 10 mm दूर तक बनेगा। रिवर्स डायरेक्शन करोगे तो उसमें ऐड होगा, रिवर्स डायरेक्शन बंक करोगे तो उसमें माइनस होगा। और लास्ट ऑप्शन है अप टू बॉडी, तो ये मेरा अभी जो
ऑब्जेक्ट है वो अभी कोई बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए हमको ये बॉडी सिलेक्ट करेंगे, तो तुरंत ये बॉडी तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा। अभी मान लो कि मेरे पास ये मर्ज ऑप्शन चालू है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है, मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये दोनों बॉडी कैसी है फ्रेंड्स, अभी एक ही है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ अप टू वर्टेक्स या अप थ्रू ऑल, थ्रू ऑल करता हूँ मैं इसको, थ्रू ऑल करते हैं अभी, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया है बरोबर। मर्ज ऑप्शन चालू है इसलिए दोनों एक ही दिख रहा है, बट मैं जैसे ही मर्ज ऑप्शन बंद करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट पूरा अलग हो दिखेगा। देखो मैं जैसे ही ये फेस को सिलेक्ट करूँगा तो अनमर्ज ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ से प्लेन करूँगा तो भी आपको दिखेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है। तो अगर मुझे अलग अलग बॉडी चाहिए दोनों की, तब मैं मर्ज ऑप्शन बंद कर देता हूँ। तो ये हुए हमारे ये फीचर्स सिंपल। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि ये फेस ले लेते हैं अभी और स्केच बना लेता हूँ मैं 3.R। मान लो कि यहाँ तक मुझे आर्क बनाना है, कन्वर्ट एंटिटी कर देता हूँ मैं ये स्केच की, ये स्केच, ये स्केच, ये स्केच और ये स्केच। ट्रिम में जाके मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, शेडेड ऑप्शन ऑन रखते हैं तो पता चले हमको कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। अब मैं फीचर्स में जाता हूँ वापिस, यहाँ पे भी ऑप्शन है अप टू सरफेस, अप टू वर्टेक्स, वो भी देखते हैं। पहले हम ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, थ्रू ऑल करेंगे, ओके करना है। अभी मैं कोई भी एक प्लेन पे, मान लो कि मैं राइट प्लेन पे कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक यहाँ से वर्ड लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि बीकॉन, इसका फ्रंट साइज हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ से फ्रंट साइज बढ़ा लेते हैं, ओके करेंगे और यहाँ पे रख देते हैं अभी, ओके करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरा स्केच कहाँ पे है, सेंटर में है, उसको मुझे ये फेस पे एक्सट्रूड करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फीचर में जाऊँगा, एक्सट्रूड बॉस में जाता हूँ और यहाँ से सरफेस फेस और प्लेन में जाते हैं और यहाँ से सरफेस को सिलेक्ट कर देते कि ये वाला सरफेस। तो मेरा फ्रेंड्स जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिक इसके ऊपर एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो गया है। कितने एमएम का एक्सट्रूड चाहिए आपको वो ले लो, यहाँ से नॉर्मली 3 एमएम का एक्सट्रूड चाहिए तो 3 एमएम ले लो और ओके कर दो। तो ये मेरा हो गया सरफेस, प्ले फेस और प्लेन। अभी लास्ट ऑप्शन बचा है, यही मैं स्केच लेता हूँ, एक्सट्रूड में जाता हूँ, दूसरा है अप टू वर्टेक्स, मैं ये वर्टेक्स ले लेता हूँ, तो वर्टेक्स से वो स्टार्ट होना होगा। कितने एमएम का, 15 एमएम, 30 एमएम, वो वर्टेक्स से स्टार्ट होगा मेरा वो जो भी बॉस एक्सट्रूड है। आपको जितने भी एमएम का एक्सट्रूड चाहिए वो ले लो और ओके कर दो, तो वो वर्टेक्स से स्टार्ट हो जाएगा हमारा एक्सट्रूड होना। तो ये नॉर्मली एक्सट्रूड के टूल्स है। अभी और भी ऑप्शन देखते हैं हम एक एक करके। वापिस मैं एक्सट्रूड में जाता हूँ, ये स्केच ले लेते हैं हम। अभी दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कितने डिग्री ड्राफ्ट लेना है, अगर हमको कोई एंगल चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम ड्राफ्ट में जाते हैं। ड्राफ्ट कितना डिग्री की, 5 डिग्री लेना है, कौन सी साइड, तो भी हम यहाँ से फ्लिप डायरेक्शन कर सकते हैं। अभी मैं 2 डिग्री लेता हूँ, ये ले लेते हैं 20 mm तक, तो ये हो गया ड्राफ्ट। अभी मेरा ऑप्शन ड्राफ्ट में भी इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ड्राफ्ट जो है वो अभी हमारा कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की साइड ड्राफ्ट हो रहा है। देखो
मगर मुझे आउटवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, तो हम आउटवर्ड डायरेक्शन भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डायरेक्शन टू। तो ये जो सरफेस है, प्लेन है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मुझे कुछ वर्क करना है, तो भी सेम ऑप्शन है मेरे पास। कितना एमएम का आपको हाइट चाहिए? लाइक चाहिए मुझे 50 एमएम तक एक्सट्रूड करना है, तो भी हम 50 एमएम तक यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स थिन फीचर्स। थिन फीचर्स में ऑन करूँगा और यहाँ से मैं थिकनेस करूँगा, 2 का थिकनेस देता हूँ, तो मेरा जो एक्सट्रूड है वो थिन रहेगा ऐसे। तो आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे आप थिन फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हो। वापस मैं एक्सट्रूड में जाता हूँ, ये स्केच ले लेते हैं। थिन फीचर्स के अंदर भी एक ऑप्शन है कि कैप एंड करेंगे तो दोनों साइड वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैप एंड हो गया। उसका थिकनेस हमको कितना रखना है? 1 mm का थिकनेस रखना है, तो वो भी हम रख सकते हैं। अभी आपको मैं हाफ सेक्शन करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा पता चलेगा। देखो ये जो थिकनेस है वो हमारी कितनी हुई? 1 mm। तो हम एक्सट्रूड थिन की मदद से ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। अब मेरा लास्ट ऑप्शन आता है कि ये जो स्केच है हमारा, ऐसे एक ही स्केच में मल्टीपल स्केच हो जाए। लाइक मान लो कि मुझे ये स्केच है, ये स्केच है, अभी मुझे एक साथ तीनों को एक्सट्रूड नहीं करना है और अलग अलग एक्सट्रूड करना है, तो भी मेरे पास ऑप्शन है। अभी तो तीनों एक साथ हो रहे हैं, तो सिलेक्ट काउंटर में जाते हैं और मैं यहाँ पे काउंटर सिलेक्ट देता हूँ कि मुझे ओनली यही फीचर्स एक्सट्रूड चाहिए और यही फीचर्स। तो दोनों एक साथ में काउंटर में जाके दोनों एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ओके करना है। वापस मुझे वो स्केच को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ से एरो में जाऊँगा, स्केच में जाऊँगा, एक्सट्रूड में जाके वापस वही ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, स्केच को क्लियर कर दूंगा पहले, तो ये फीचर सिलेक्ट करते मुझे उसको ड्राफ्ट देना है, तो ड्राफ्ट दे दो, एक्सट्रूड ज़्यादा चाहिए, और ओके कर दो। तो एक ही स्केच की मदद से हम ऐसे एक्सट्रूड फीचर्स की मदद से हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा एक्सट्रूड बॉस। वैसे ही सेम हमारे पास है एक्सट्रूड कट। तो देख चल फ्रेंड्स हम देखते हैं एक्सट्रूड कट। मैं ये स्केच को अभी रखता हूँ। एक्सट्रूड बॉस और एक्सट्रूड कट में कोई डिफरेंस नहीं है, एक में ऐड होगा और एक में ऑब्जेक्ट रिमूव होगा, उतना ही डिफरेंस है, बाकी सारे फीचर सेम है। तो मैं आपको सिर्फ एक दो फीचर्स बता लेता हूँ, बाकी सारे फीचर्स सेम ही है। इसलिए पहला ऑप्शन है ब्लाइंड, बट इसके अंदर एक ऑप्शन एक नया ऐड हुआ है कि थ्रू ऑल बोथ। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट के पीछे भी कोई ऑब्जेक्ट होता तो मैं थ्रू ऑल बोथ करूँगा तो दोनों साइड वो कट ले लेगा। बाकी सारे ऑप्शन तो सेम ही है। ब्लाइंड में जाते हैं, कितने एमएम का मुझे कट चाहिए? तो 40 mm, ओके कर दो। तो यहाँ पे 40 mm का कट ले लिया। वापिस मुझे यही स्केच का यूज़ करके वापिस कोई कट चाहिए, कट में जाते सिलेक्ट काउंटर में जाके मैं ये वाला काउंटर सिलेक्ट करता हूँ, थ्रू वॉल करते ओके करते हैं, तो लास्ट सरफेस तक वो कट ले लेगा। देखो फ्रेंड्स, तो ऐसे एक्सट्रूड बॉस और एक्सट्रूड कट की मदद से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मेरे पास नट एंड बोल्ट बनाना है, हमको नट बनाना है, तो भी हम इजीली एक्सट्रूड कट की मदद से हम बना सकते हैं। लाइक मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नट का शेप दे देता हूँ, हंड्रेड एमएम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हाइट दे देते हैं उसको जितना चाहिए, लाइक 50 दे देते हैं, ओके करता हूँ मैं। अब मैं ये फेस पे स्केच लेता हूँ, नॉर्मल भी लेता हूँ, यहाँ से
एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ तक, और एक्सट्रूड में जाके एक्सट्रूड कट करेंगे। तो अभी मेरा ऑप्शन तो ब्लाइंड 50 mm है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ड्राफ्ट ऑन कर देना है, और जितने mm का आपको चाहिए, लाइक 45 mm का आपको ड्राफ्ट चाहिए, चैम्फर जो है वो 45 mm का चाहिए तो 45 mm ले लो, और फ्लिप साइड टू कट ले लेते हैं। तो ये बार का ऑप्शन वो कट करेगा ओनली, देखो। तो ऐसे हम फ्लिप साइड कट की मदद से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वापिस मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फ्लिप साइड कट का। अभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक्सट्रूड करते वापिस स्केच नॉर्मल व्यू, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों को मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, तो कहीं मूव ना हो इसीलिए। अभी ये दोनों को हम रिलेशन दे देते हैं, वापिस अगेन ये दोनों को रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट का। इसको ट्रिम कर देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। और मैं एक्सट्रूड में जाता हूँ, एक्सट्रूड कट में जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया है फ्लिप साइड टू कट, उसको ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो बार का ऑब्जेक्ट जो है वो कट ले लेगा। तो ऐसे फ्लिप साइड टू कट के मदद से हम फ्लिप साइड टू कट भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बॉस एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट। वैसे ही आप रिवॉल्व का भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट लिया, वैसे ही हम रिवॉल्व की मदद से भी उसका सेम यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले हम रिवॉल्व का यूज कैसे करते हैं। रिवॉल्व बॉस का यूज हम कब करते हैं, जब भी लेथ मशीन का कोई भी पार्ट रहता है, लाइक सर्कुलर पार्ट रहता है सिलिंड्रिकल टाइप, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम रिवॉल्व का यूज करते हैं। तो रिवॉल्व के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, लाइक जितने भी आपको लाइन बनानी है नॉर्मली एक लाइन बना देते हैं। उसके बाद लाइन की मदद से आपको जैसा भी शेप चाहिए वैसा शेप बना लो। मुझे ऐसा शेप चाहिए अभी, तो ऐसा शेप बना लेता हूँ। वापिस में इसको क्लोज एंटिटी कर देते, और यहाँ पे जाके रिवॉल्व बॉस में जाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सिस सिलेक्ट करनी पड़ती, मैंने ये सेंटर लाइन बनाया है इसीलिए उसने डिफॉल्ट सेंटर लाइन ले लिया है। अगर आप सेंटर लाइन नहीं बनाते हो तो आपको कोई भी एक लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से रिवॉल्व करना है। अगर मुझे ये लाइन एड से रिवॉल्व नहीं करना है तो मैं ये एड से भी रिवॉल्व कर सकता हूँ, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आप रिवॉल्व कर सकते हो। अभी नॉर्मली यही फेस से हमको रिवॉल्व करना है तो वो फेस एड सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी वैसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लाइंड अप टू वर्टेक्स अप टू सरफेस ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और मिड प्लेन। अभी सिंपल मैं ब्लाइंड ले लेता हूँ, कितने डिग्री तक मुझे जाना है कि 180 डिग्री तक जाना है। तो अभी फ्रेंड्स मेरा 180 डिग्री आएगा। अभी मैं रिवर्स डायरेक्शन करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा। आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप कर सकते हो। डायरेक्शन टू के अंदर भी आपको कोई डायरेक्शन देना है तो भी आप दे सकते हो। आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे आप यहाँ से ऑप्शन ऑन कर सकते हो। दूसरा है कि मिड प्लेन, मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि 90, तो 45 ये साइड जाएगा, 45 ये साइड जाएगा। आपको जैसे जितने भी डिग्री का
रिक्वायरमेंट है उतने डिग्री लिख दो, 135 डिग्री का रिक्वायरमेंट है तो 135 ले लो। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, ओके करो और ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। वैसे ही मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कि बाकी सारे टूल्स भी कवर हो जाए उसके, इसीलिए तो मैं सिंपल यहाँ पे अभी तो रेक्टेंगल बनाता हूँ। एक्सट्रूड करते हैं हम उसको थोड़ा सा वापिस, उसके मिड प्लेन पे मैं स्केच ले लेता हूँ। जैसा भी आपको शेप चाहिए वैसा शेप ले लेते हैं। एक्सट्रूड में जाते हैं और यहाँ से मिड प्लेन ले लेते हैं। वापिस मैं राइट प्लेन पे जाता हूँ, स्केच लेता हूँ, नॉर्मल भी लेते हैं और यहाँ से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे। मैंने पहले ही आपको बोला है कि रिवॉल्व करने के लिए सेंटर लाइन लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से सेंटर लाइन ले लेता हूँ फॉर रेफरेंस के लिए ओनली। वापस रिवॉल्व में जाते तो हमारा रिवॉल्व ऑटोमेटिक उसने ले लिया। जैसे ही मैंने रेफरेंस लाइन लिया तो उसके रेफरेंस से उसने रिवॉल्व लेना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है वो देखते हैं। अप टू वर्टेक्स, वर्टेक्स अप टू वर्टेक्स का यूज कहाँ पे होगा कि मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट करूंगा तो वही वर्टेक्स तक वो एक्सट्रूड होगा। अप टू सरफेस, मैं ये सरफेस तक करूंगा एक्सट्रूड, अभी नहीं ले रहा है क्योंकि उसकी हाइट बहुत है, इसको मुझे थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो एक्सट्रूड वहाँ तक होने नहीं देगा, उसको सरफेस ही नहीं है ना इसीलिए। अब भी हम लेंगे एक्सट्रूड में जाके ये स्केच को, सॉरी ये सिलेक्ट करता हूँ, रिवॉल्व में जाते और मैं यहाँ से अप टू सरफेस ले लेता हूँ कि ये सरफेस तक, तो ऑटोमेटिक वो ये सरफेस तक रिवॉल्व कर देगा। सेम डायरेक्शन टू में भी मैं अप टू सरफेस ले लेता हूँ कि ये सरफेस तक, तो दोनों सेम ही वर्क करेगा। अगर मुझे नीचे की सरफेस तक चाहिए तो भी हम वो वाली सरफेस ले सकते हैं। अभी मुझे कोई सरफेस नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, इसीलिए मैं यही सरफेस रखता हूँ। उसके बाद है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये जो हमारा सरफेस है उससे कितने ऑफसेट चाहिए मुझे। देखो अभी 10 mm है, 20, 30, 40, जितने mm का आपको डिस्टेंस रखना है ये दोनों फेस के बीच में, तो आप वैसे भी ऑफसेट लगा सकते हो। रिवर्स ऑफसेट करोगे तो अंदर ऐड होगा मटेरियल, तो यही ऑप्शन है इसके अंदर। अब है थिन फीचर्स, थिन फीचर्स का इसके अंदर यूज करेंगे, सेम ही है दोनों। देखो थिन फीचर्स मैंने लिया, कितने mm का थिन करना है, 10 mm का ओके कर दो, तो ये हमारा अंदर से होलो होगा। आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे रिवॉल्व बॉस है वैसे ही हमारे पास रिवॉल्व कट भी दिया हुआ है, तो सेम उस सेम ही दोनों में ऑप्शन है। मैं यहाँ से स्केच सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से अप टू सरफेस ले लेते हैं। सरफेस में मैं नीचे वाला सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, ओके करते हैं तो वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ तक कट ले लिया उसने। हाफ सेक्शन करके भी हम देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट परफेक्ट कट हुआ है कि नहीं। देखो फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा एक्सट्रूड कट और कट रिवॉल्व एंड रिवॉल्व बॉस। अब हम देखने जा रहे हैं कि फिलेट,
फिलेट क्या काम करता है, फिलेट और चैम्फर। तो मैं अभी ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, हमारे काम का नहीं है अभी। अभी फिलेट के अंदर जाते हैं, फिलेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो फिलेट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। अभी मैं सिंपल सा यहाँ पे कांस्टेंट साइज फिलेट लेता हूँ। कांस्टेंट साइज फिलेट मीन्स क्या कि सभी जो भी एड सिलेक्ट करते हैं, जो भी फेस सिलेक्ट करते हैं, सभी जगह पे सेमी सेमी रेडियस का थिकनेस लगेगा जो भी फिलेट है वो। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आइटम टू फिलेट, जो भी फेस या एड्स को आपको फिलेट लगाना है वो एड सिलेक्ट कर दो। ये एड सिलेक्ट किया मैंने, ये एड और ये एड, कितने एमएम का मुझे थिकने फिलेट चाहिए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि मुझे यहाँ पे 50 mm का फिलेट चाहिए, तो यहाँ से 50 mm ले लो। तो ये हुआ हमारा सिंपली कांस्टेंट साइज फिलेट। मैं फेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी फेस सिलेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट फेस पे भी अप्लाई कर देगा, और यहाँ से ओके कर दो। तो ये हुआ सिंपल कांस्टेंट साइज फिलेट। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास फिलेट के अंदर ही, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं ये फेस को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है मल्टीपल रेडियस फिलेट। मल्टीपल रेडियस फिलेट जैसे ऑन करता हूँ और ये फेस को सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। एक ऑप्शन यहाँ पे है 50, एक यहाँ पे है 50 के जगह पे मैं यहाँ से 30 भी ले सकता हूँ। मल्टीपल रेडियस फिलेट है, मल्टी रेडियस फिलेट है। मल्टी रेडियस फिलेट का यूज़ ज़्यादातर होता है, आपको एक ही बार में अलग अलग रेडियस देनी है तब हम मल्टीपल रेडियस का यूज़ करते हैं। ओके कर दो। तो ये हमारा फिलेट इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे उतना डिस्टेंस नहीं है। तो इसको मैं अभी 20 या 30 ले लेता हूँ और ओके करते हैं, तो ये फिलेट ले लेगा। ओके, दोनों सेम फेस है ना, इसीलिए एक बार यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसीलिए कोई नहीं। ये एड सिलेक्ट कर देते हैं और ये एड सिलेक्ट कर देते हैं और ओके करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने ये फेस लिया हुआ था इसलिए वो एरर आ रहा था। तो ये हुआ कांस्टेंट साइज फिलेट। फिलेट के अंदर भी दूसरे ऑप्शन है तो वो भी हम देख रहे हैं। मैं ये ऑब्जेक्ट को पहले क्लोज करता हूँ, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरे भी ऑप्शन हम देखते हैं, न्यू यहाँ से पार्ट ले लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे प्लेन पे जाके मैं कोई स्केच बना लेता हूँ, लाइक मैं सेंटर रेक्टेंगल ले लूंगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, उसको हाइट दे देते हैं। जैसे ही हाइट देते हैं उसके बाद मैं फिलेट अप्लाई करूँगा। अब फिलेट मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, एक तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट कोई एड सिलेक्ट करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे फिलेट का। जैसे मैं फिलेट में जाता हूँ तो दूसरे टाइप का फिलेट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल साइज फिलेट। वेरिएबल साइज फिलेट मीन्स क्या कि ये जो एड है, जो ये भी एड है उसके टुकड़े कर देगा वो। देखो यहाँ पे अभी रेडियस कितना है, वेरिएबल रेडियस अनअसाइन है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3 mm।
तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 3 mm लग गया, लास्ट पॉइंट पे कितना रखना है हमको कि 5 mm का फिलेट से, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके 5 mm लिख दो। अभी ये पॉइंट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, एक तो परसेंटेज और एक अनअसाइन रेडियस। अनअसाइन रेडियस में जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दो, स्लो वर्क कर रहा है मेरा पीसी, यहाँ पे दो एंटर, तो मेरा फिलेट 2 का लग गया। वापिस 50% जो है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, 50 का मैं 60% भी ले सकता हूँ, यहाँ से 60% ले लेते हैं, एंटर करते हैं, तो मेरा 60% पे भी एक पॉइंट आ गया। वहाँ उसके ऊपर कितनी रेडियस चाहिए, मुझे 5 की चाहिए, तो हम 5 की फिलेट लगा सकते हैं। ये पॉइंट पे कितना रेडियस चाहिए, तो भी हम अलग अलग रेडियस ले सकते हैं। आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट है वैसे फिलेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ से ओके कर दो। तो ये हुआ वेरिएबल फिलेट। वापिस मैं फिलेट में जाता हूँ, सिंपल फिलेट ही लेते हैं, उसके अंदर भी ऑप्शन थोड़ा कवर कर देते हैं। और हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। असिमेट्रिक के अंदर क्या होगा कि एक्स और वाई दोनों की डिस्टेंस हम अलग अलग डाल सकते हैं। एक्स में हमको 20 चाहिए, वाई में 10 चाहिए, जो भी आपको डालना है वो 8 सिलेक्ट करो, तो यहाँ से आप देख सकते हो। इलिप्टिकल टाइप का फिलेट भी हम लगा सकते हैं, बट हम नॉर्मली सिमेट्रिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है सर्कुलर, कॉनिक रो। कॉनिक रो आप जैसे डालोगे वैसे वो फिलेट लेगा, आप देख ही सकते हो। हम नॉर्मली 0.5 का ही रखते हैं, वो स्टैंडर्ड है। वैसे कॉनिक रेडियस भी डाल सकते हो आप, रेडियस आपको 5 का कॉनिक रेडियस डालना है तो भी आप यहाँ से कॉनिक रेडियस भी डाल सकते हैं। हम सर्कुलर का ही ऑप्शन यूज करते हैं। अब है मैं एक साथ 3 एड सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और यहां से मैं कर देता हूँ कि 2 का रेडियस। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे भी मुझे कोई एक फिलेट अलग से लगाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है सेटबैक पिरामीटर्स। यहाँ पे मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने वर्टेक्स सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया 10 mm, 10 mm और 10 mm। मैं यहाँ पे सेटबैक का जो है वहाँ पे मैं 3 की रेडियस लगाता हूँ, एक पॉइंट पे मैं 5 की रेडियस लगाता हूँ, और एक पॉइंट पे मैं 7 की रेडियस लगाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ से ओके करो। तो आपको पता चल गया होगा कि ये 2 का है, ये 5 का है, और ये 7 का है। तो आपको ऐसा भी फिलेट लगाना है तो आप सेटबैक पैरामीटर्स की मदद से आप फिलेट लगा सकते हो। अब मैं फिलेट के अंदर तीसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, फेस फिलेट। मेरे पास है फेस फिलेट, तो फेस फिलेट के अंदर हमको 2 फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक फेस ये और ये फेस ये। कितने की फिलेट लगाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 mm, तो डायरेक्ट 2 mm का फिलेट लग जाएगा। फेस फिलेट के अंदर आपको फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही मेरे पास है फूल राउंड फिलेट, तो फुल राउंड फिलेट के लिए मैं थोड़ा हाइट इसको ज़्यादा दे देता हूँ, फिलेट में जाते हैं।
फुल राउंड फिलेट का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर तीन फेस हमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फर्स्ट फेस में ये लेता हूँ, सेकंड फेस में मैं ये लेता हूँ, और थर्ड फेस के अंदर मैं ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिलेट लग जाएगी। आपको वैसे ही सामने की फेस पे भी फिलेट लगाना है तो आप फिलेट में जाओ, फुल राउंड फिलेट में जाते हैं, वापिस तीन फेस सिलेक्ट कर दो। फर्स्ट फेस में ये, सेकंड में ये, और थर्ड फेस में ये वाला, ओके कर दो। तो ये मेरा फेस फिलेट अप्लाई हो गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं फेस फिलेट की मदद से कैप्सूल भी बना सकता हूँ, फुल फेस फुल राउंड फिलेट की मदद से। तो वो भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। फुल राउंड फिलेट के अंदर मुझे ये फेस सिलेक्ट करना है फर्स्ट फेस में, सेकंड फेस के अंदर ये सारी फिलेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे, एक दो तीन और चार फेस, और लास्ट वाले फेस के अंदर ये वाला। तो ये कैप्सूल टाइप भी बन जाएगा। आपको जैसा भी शेप रिक्वायरमेंट है वैसे आप फिलेट लगा सकते हो। तो यह हुआ फ्रेंड्स फिलेट। अब हम देखते हैं चैम्फर। चैम्फर भी सेम ही ऑप्शन है, थोड़े बहुत अलग ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए एंगल डिस्टेंस, ईस्टर्न डिस्टेंस, वर्टेक्स डिस्टेंस, ऑफसेट फेस, फेस फेस, ये सब सेम ही ऑप्शन है। नॉर्मली हम एंगल डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस का ही यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमको कोई एड लेना पड़ेगा। अभी पहला ऑप्शन है एंगल डिस्टेंस, तो यहाँ पे 10 mm डिस्टेंस दिया हुआ है और 45 डिग्री एंगल है हमारा। तो आप जैसे एड सिलेक्ट करोगे, फ्लिप साइड करोगे तो डायरेक्शन शिफ्ट चेंज होगा हमारा, पहले 45 आएगा। और वो दूसरा है डायमेंशन, डिस्टेंस डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस के अंदर मैंने 10 लिया, सिमेट्रिक है इसलिए दोनों साइड सेम रहेगा, एक्स में भी 10, वाई में भी 10। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है वर्टेक्स चैम्फर। वर्टेक्स चैम्फर का यूज़ हम कब करेंगे, जब मुझे कोई वर्टेक्स पे चैम्फर लगाना है अलग अलग। तो यहाँ से हम डायमेंशन डाल दो कि मुझे एक साइड 20 का चाहिए, एक साइड 10 का चाहिए, और तीसरी साइड भी 10 का चाहिए। जो भी आपको डायमेंशन डालना है वैसे हम चैम्फर लगा सकते हैं। तो ये हुआ चैम्फर और फिलेट। अब हम देखते हैं सेल, सेल कमांड क्या वर्क करेगा। तो उसको मैं अभी थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ ये ऑब्जेक्ट को मेरा, और सेल कमांड के अंदर चला जाता हूँ मैं। सेल, सेल के अंदर हमारे पास इतने ऑप्शन है। पहला है कि रिमूव फेस, जो फेस को हम सिलेक्ट करेंगे वो फेस रिमूव हो जाएगा। इसके अंदर मुझे ये फेस नहीं चाहिए, ये फेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से फेस वन और फेस टू सिलेक्ट करता हूँ, कितने mm का थिकनेस चाहिए, उसके अलावा ये जो फेसेस बचे उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, 5 mm की थिकनेस चाहिए, ओके कर दो। तो ये मेरा वो दोनों फेस रिमूव हो गए, और यहाँ पे मेरी जो थिकनेस है ये फेस से पीछे की फेस तक 5 mm की थिकनेस एड हो गई। वापिस मैं एडिट में जाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, एडिट फीचर में जाते हैं। अभी मेरे पास ऑप्शन है सेल आउटवर्ड, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं शो प्रीव्यू भी कर देता हूँ। अभी देखो मेरा ऑब्जेक्ट इनसाइड सेल कर रहा है,
मुझे आउटसाइड सेल चाहिए, तो वो क्या होगा, 5 mm ऐड हो जाएगा। आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे ऐड करना है 5 mm का, तो 5 mm ऐड करके अंदर का पार्ट होलो कर सकते हो। वापिस मेरे पास ऑप्शन है कि मल्टीपल थिकनेस के अंदर जो भी फेस हम सिलेक्ट करेंगे, लाइक ये फेस है और ये फेस है, ये जो तीनों मैंने फेस सिलेक्ट किया है उसके अंदर मल्टीपल थिकनेस चाहिए। मुझे एक को थिकनेस देना है 10 का, फेस 4 को देना है 20 का और फेस 5 को देना है 30 का या 5 का, तो आप ऐसे अलग अलग थिकनेस भी दे सकते हो। तो ये हुआ सिंपल सेल। अभी मान लो कि मुझे ये बॉक्स जो है हमारा वो अंदर से हॉलो चाहिए, बाहर से तो सॉलिड ही होगा, अंदर से हॉलो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेल में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव फेस में कोई भी फेस सिलेक्ट नहीं करना है और डायरेक्ट सिर्फ 5 mm लिख के ओके कर देना है। तो ये क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर से हॉलो हो गया। तो हमको देखना है तो हम देख सकते हैं सेक्शन व्यू करके। तो अभी हम देखेंगे ड्राफ्ट टूल क्या काम करता है। तो ड्राफ्ट टूल जैसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे मैन्युअल में जाना है। मैन्युअल में जाते ही हमारे पास तीन व्यू है, तीन टाइप्स है, न्यूट्रल प्लेन, पार्टिंग लाइन और स्टार स्टेप ड्राफ्ट। न्यूट्रल प्लेन मीन्स क्या कि जो भी फेस हम सिलेक्ट करेंगे वो फेस क्या होगा, फिक्स रहेगा। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसकी हाइट ले लेंगे हम। मान लो कि ड्राफ्ट में जाना है, न्यूट्रल प्लेन के अंदर मैं ये फेस को फिक्स रखना चाहता हूँ और फेस टू ड्राफ्ट, ये फेस को मैं 30 डिग्री ड्राफ्ट करना चाहता हूँ और यहाँ से ओके कर दो। तो फ्रेंड, तो ये मेरा हुआ 30 डिग्री ड्राफ्ट। उसके अंदर ही दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि फ्लिप साइड ड्राफ्ट। फ्लिप साइड ड्राफ्ट करेंगे तो इनवर्ट डायरेक्शन में ड्राफ्ट करेगा। वैसे ही मुझे दूसरी साइड ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट में जाओ, न्यूट्रल प्लेन, ये प्लेन फिक्स रहेगा और फेस टू ड्राफ्ट के अंदर इसको मैं 10 डिग्री एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट टूल के मदद से हम ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, लाइक ये अभी मैं इसको नॉर्मल व्यू करता हूँ तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, स्टेट है, बट मुझे उसको कोई डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं ड्राफ्ट में जाऊँगा। न्यूट्रल प्लेन के अंदर मैं ये फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ड्राफ्ट के अंदर ये बॉडी कितना डिग्री ड्राफ्ट करना है, लाइक 7 डिग्री, यहाँ से ओके करते हैं। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली एडिट फीचर में जाके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यहाँ से फ्लिप डायरेक्शन और ओके करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट 7 डिग्री एड हो गया है। फिर से मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ, न्यूट्रल प्लेन के अंदर ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, पार्ट फेस टू ड्राफ्ट के अंदर ये फेस लेते हैं और 7 डिग्री करते हैं तो मेरा ऑब्जेक्ट 7 डिग्री बेंड हो गया है। तो आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है वैसे आप पार्ट ड्राफ्ट के मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है मेरे पास, ड्राफ्ट के अंदर ही ऑप्शन है पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन, तो पार्टिंग लाइन के लिए मुझे एक पार्टिंग लाइन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फेस पे मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, आपको जैसे भी पार्टिंग लाइन चाहिए वैसे पार्टिंग लाइन बना लो। लाइक मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऐसी लाइन मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से स्प्लिट लाइन में जाता हूँ, स्केच के अंदर ये स्केच और ये फेस के अंदर सारे फेस सिलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी प्रोजेक्शन में जाके एक फेस है,
एक फेसी और एक फेसी, तो मैंने चारों फेस को सिलेक्ट कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे अभी पार्टिंग लाइन क्रिएट हो गई है। तो अब मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ और पार्टिंग लाइन सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्शन टू पूल में ये फेस सिलेक्ट करता हूँ अपर की साइड, मुझे डायरेक्शन पूल चाहिए। पार्टिंग लाइन के अंदर पार्टिंग लाइन सिलेक्ट कर दो, जहाँ से भी आपको पार्टिंग लाइन यूज़ करना है। मैंने एक एक करके सारे पार्टिंग लाइन सिलेक्ट कर दिए हैं। अब कितने डिग्री ड्राप करना है आपको, 10 डिग्री, और यहाँ से ओके कर दो। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से ड्राफ्ट हो गया है 10 डिग्री। वापस एडिट फीचर में जाते हैं, ड्राप क्लिप साइड, और यहाँ से 20-30 डिग्री कर दो। ओके करो तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की साइड ड्राप करेगा। और सेम तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कि स्टेप ड्राप, मैं स्टेप ड्राप लेता हूँ, 30 डिग्री लेता हूँ और ओके करता हूँ, तो हमारे पास स्टेप पड़ेगा अंदर 30 डिग्री का, वो आप देख सकते हो। रिवर्स डायरेक्शन में बंद कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा ड्राप करेगा। आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है वैसे आप ड्राप ले सकते हो। ओके फ्रेंड, अभी मेरे पास है सेल्प रिब कमांड देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता हूँ, ये फेस को। अभी मैं रिप कमांड लूँगा। रिप कमांड लेने से पहले मुझे एक स्केच बनाना पड़ेगा। मैं अभी फ्रंट प्लेन पे कोई एक स्केच बना लेता हूँ। आपको जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हाफ सेक्शन ले लेते हैं। मुझे अभी ऐसा शेप चाहिए तो मैं यहाँ तक ऐसा शेप ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट लास्ट पॉइंट तक हम कर सकते हैं उसको। यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये फेस तक मुझे एक्सप्लोर करना है, रिप करना है, तो रिप में जाओ। मेरी अभी रिप की पोजीशन कौन सी साइड है, नीचे की साइड है। कितने एमएम का आपको रिप चाहिए वो ले लो। लाइक मुझे 15 एमएम का रिप चाहिए तो 15 एमएम का ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अभी इसका नॉर्मल करते हैं। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, मिड प्लेन से बोथ साइड है, मुझे कोई एक ही साइड रिब चाहिए, तो मैं यहाँ से ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे मिड प्लेन चाहिए तो ओके कर दो, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया, आप देख सकते हो। वापस एडिट फीचर में जाते हैं, यहाँ पे है फ्लिप मटेरियल साइड। मैं फ्लिप मटेरियल साइड करूँगा तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो हवा में तो क्रिएट होने वाला नहीं। रिप ऑलवेज उसके लिए कोई एक रेफरेंस होना ज़रूरी है आगे कि कहाँ तक मुझे ऐड करना है, तो हम फ्लिप साइड नहीं ले सकेंगे। दूसरा है नॉर्मल टू स्केच, ये जो स्केच है उसके नॉर्मल, तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया, आप देख सकते हो। पहले ऊपर से डायरेक्शन ले रहा था, अभी साइड में डायरेक्शन, नॉर्मल टू डायरेक्शन हो गया। कितने एमएम का आपको रिप चाहिए उतना एमएम ले लो और ओके कर दो, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं ब्रेप टूल्स, नेक्स्ट है वेब टूल्स। वेब टूल्स के लिए मैं एक सरफेस क्रिएट कर देता हूँ, बॉडी क्रिएट कर देता हूँ।
लाइक एक रिवॉल्व से एक बॉल क्रिएट कर देता हूँ। इसको ट्रिम कर देते हैं, फीचर्स में रिवॉल्व ले लेते हैं और मैं फ्रंट प्लेन पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। लिख देते हैं टेक्स्ट बीकॉन। उसकी फॉन्ट साइज भी हम बड़ी कर लेते हैं। यहाँ से ओके करता हूँ मैं। अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में है। अब मुझे ये फेस पे एक्सट्रूड करवाना है तो मैं ग्रैब कमांड की मदद से उसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। स्केच मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सरफेस है, सरफेस को क्लिक करता हूँ और ये फेस सिलेक्ट कर दूँगा। और जितने mm का आपको एक्सट्रूड करना है उतने mm यहाँ पे आप ले लो। लाइक मुझे 10 mm का एक्सट्रूड चाहिए तो 10 mm लिख देता हूँ। और यहाँ से एम्बोस ले लेते हैं। एम्बोस यानी 10 mm का आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। दूसरा है उसके अंदर ही कि डिबॉस। डिबॉस मीन्स क्या कि आपको जो ऑब्जेक्ट है जो एक्सट्रूड किया वैसे ही आपको अंदर की साइड कट चाहिए तो आप यहाँ से कट ले सकते हो। तो 10 mm का कट ले ले। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि स्क्राइब। स्क्राइब मीन्स क्या कि वो सिर्फ वहाँ पे छाप निकालेगा, सिर्फ प्रिंट निकालेगा उसके ऊपर और कोई काम नहीं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं रैप का। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मल भी करता हूँ और यहाँ से स्प्लाइन की मदद से हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं जैसे भी शेप चाहिए। स्केच के बाहर जाते शेप ले लेते हैं, ये स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और फेस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही फेस को सिलेक्ट किया यहाँ पे स्क्राइब एम्बोस में चले जाओ और ओके कर दो तो मेरा जो ऑब्जेक्ट हो 10 mm ऐड हो जाएगा। तो रैप टूल्स हमारा यही काम में आता है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न्स। पैटर्न्स के काम करेगा। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको पैटर्न्स लगाना है वैसे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, उसको हाइट दे देता हूँ। उसके बाद फेस पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं जैसे ही आपको चाहिए। जैसा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वैसा ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया है। अभी उसको एक्सट्रूड करेंगे हम। मैं इसको हाइट दे देता हूँ 20 और यहाँ से ओके कर दो। अब मुझे ऐसी लीनियर पैटर्न लगाना है, मैं सेम कॉपी करना है 5 या 6 जो भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं पहला वाला ऑप्शन ले रहा हूँ लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में जाते यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्ट करने को बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन में ये डायरेक्शन ले लेता हूँ एक्स। बिटवीन डिस्टेंस कितना रखना है आपको कि 50, कितनी पैटर्न लगाना है तो ये हम यहाँ से पैटर्न भी ले सकते हैं। अदरवाइज अप टू रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं कि यहाँ तक हमको पॉइंट जो भी हमारी जो नॉर्मली कॉपीज है वो ले सकते हैं जितने भी चेक बनाना है। मैं नॉर्मली स्पेसिंग एंड इंस्टेंट ही रखूँगा। अब क्या है, मैंने डिस्टेंस दे दिया है और कितने पैटर्न्स लगाना है वो ले लिया है। और यहाँ पे हमारे पास है फीचर्स एंड फेसेस।
फीचर्स एंड फेसिस में जाके मैं यहाँ से ये बॉस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ तो मेरा पैटर्न हो जाएगा। बट अगर मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये मर्ज नहीं है, अभी तो मर्ज है, मर्ज नहीं और मैं पैटर्न करना चाहूँगा तो वो एरर ले लेगा, तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा कि पैटर्न के अंदर जाना है, डायरेक्शन में डायरेक्शन सिलेक्ट करना है, डिस्टेंस मैंने ले लिया, कितने पैटर्न्स लगाना है वो ले लिया, मैं फीचर्स को ऐड करूँगा तो वो लेगा नहीं, अभी शो करेगा बट लास्ट में एरर आएगा। उससे अच्छा आप क्या कर लो, बॉडी सिलेक्ट कर लो, बॉडी के अंदर ये बॉडी सिलेक्ट करोगे, जैसे बॉडी सिलेक्ट करोगे यहाँ से फुल प्रीव्यू ले लो और ओके करोगे तो यहाँ पे पैटर्न लग जाएगा। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मर्ज नहीं है और उसको पैटर्न लगाना है तो हम बॉडी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पैटर्न मर्ज है तो फिर फीचर्स का यूज़ कर लो। अब दूसरा है हमारे पास सर्कुलर पैटर्न, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। अब उसके ऊपर मुझे पैटर्न लगाना है, लाइक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब ऐसा मुझे इसके सेंटर के सेंटर से 5 या 6 होल चाहिए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन में जाना है और एज या रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। मैं फेस लिया, उसके बदले एज भी ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं एक्सिस भी बना सकता हूँ, यहाँ से एक्सिस ले लेता हूँ, ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ तो मेरा अभी रेफरेंस बन गया है। सर्कुलर पैटर्न में जाके मैं एक्सिस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे एक्सिस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इंस्टेंट स्पेसिंग और इक्वल स्पेसिंग। इंस्टेंट स्पेसिंग मीन्स क्या कि आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से जितने डिग्री लिखते हो वहाँ से उतना ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और इक्वल स्पेसिंग मीन्स क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो 360 डिवाइड जो भी आपने पैटर्न लिखा है उतने पार्ट्स को डिवाइड कर देगा। अभी हम 6 ऑब्जेक्ट की कॉपी कर रहे हैं, फीचर में जाना है, यहाँ से कौन से फीचर्स को आपको पैटर्न लगाना है वो फीचर्स ले लो और ओके कर दो। अगर मुझे इस ये 6 में से कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो भी हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंट टू स्किप का ऑप्शन है, तो इंस्टेंट टू स्किप सिलेक्ट करते हैं, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए और ये ऑप्शन नहीं चाहिए तो भी हम ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दो तो मेरा पैटर्न हो गया है। अब दूसरा है मेरे पास मिरर, मिरर के लिए हम हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है फेस और एक तो है प्लेन। फेस के अंदर मैं ये फेस ले सकता हूँ, अदरवाइज प्लेन भी ले सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ से मिरर पैटर्न ले रहा हूँ, फेस के अंदर ये फेस सिलेक्ट करता हूँ और फीचर्स कौन सा तो ये वाला। तो जैसे ही हम फीचर्स लेते हैं यहाँ से ओके करेंगे तो पैटर्न लग जाएगा। मिरर के अंदर ये हो गया, बट मुझे एक कोई प्लेन के रेफरेंस से मिरर लगाना है, लाइक मैंने यहाँ से एक प्लेन बनाया है डिस्टेंस पे कोई और मुझे पैटर्न लगाना है,
तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फिर प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, फीचर कॉपी में फीचर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। बट वो अभी एरर ले रहा है क्योंकि वो दोनों के बीच में गैप है इसीलिए। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे बॉडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लेन मैंने सिलेक्ट कर दिया तो फीचर्स और फेस हम नहीं ले सकते हैं, तब बॉडी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बॉडी जैसे ही सिलेक्ट करते हैं और ओके करेंगे, मर्ज सॉलिड बंक कर देंगे, तो तुरंत हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया मिरर। अब देखते हैं कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लाइक ऐसा। जैसे ही आपको पैटर्न लगाना है वैसा स्केच बना लेता हूँ मैं। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, उसको हम कट दे देते हैं, ओके करते हैं। और जैसे ही कर्व ड्रिवन पैटर्न में जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर मैं ये डायरेक्शन सिलेक्ट कर दूंगा। पैटर्न कितना लगाना है, 15 या 10 जो भी लगाना है पैटर्न, वो सिलेक्ट कर दो। और फीचर्स के अंदर फीचर सिलेक्ट कर दो। जैसे ही फीचर सिलेक्ट किया तो डिस्टेंस मांग रहा है। डिस्टेंस के अंदर हम इक्वल स्पेसिंग रखेंगे तो इक्वल स्पेसिंग में आएगा, टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट, ये उसका ऑप्शन है। अगर आपको ऑफसेट लेना है कहीं से, ये जो ये फेस और ये फेस के बीच में ऑफसेट डिस्टेंस लगाना है तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम ट्रांसफॉर्म कर्व के मुताबिक ही हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारा कर्व ड्रिवन पैटर्न। दूसरा है स्केच ड्रिवन पैटर्न। स्केच ड्रिवन पैटर्न के लिए हमें ऑलवेज पॉइंट लेना पड़ेगा। ये फेस पे स्केच लेता हूँ मैं। आपको जितने भी पैटर्न लगाने हैं उतने पॉइंट आप ड्रॉ कर लो। जहाँ पे भी आपको पैटर्न लगाना है वो फेस पे पॉइंट क्रिएट कर दो। अभी मैंने पॉइंट ले लिए हैं, पैटर्न में जाते हैं, स्केच ड्रिवन पैटर्न के अंदर मैं ये पॉइंट को सिलेक्ट कर देता हूँ और फीचर्स के अंदर में ये फीचर सिलेक्ट कर देता हूँ, तो अपने आप वो पैटर्न लगना शुरू हो जाएगा। और जस्ट ओके कर दो, तो हुआ हमारा पैटर्न, स्केच पैटर्न। अब है मेरे पास टेबल ड्रिवन पैटर्न। तो टेबल ड्रिवन पैटर्न के लिए ऑलवेज मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको हाइड कर देता हूँ, यहाँ से रेफरेंस जियोमेट्री में जाके कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। वर्टेक्स पॉइंट में वर्टेक्स पॉइंट ये रखते हैं, एक्स ये एक्स, वाई के अंदर ये एज और जेड के अंदर ये, फ्लिप साइड कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से टेबल ड्रिवन पैटर्न में जाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम और फीचर्स टू कॉपी, हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट टू सिस्टम के अंदर ये कोऑर्डिनेट डालना है और फीचर टू कॉपी, कौन सा फीचर कॉपी करना है वो सिलेक्ट कर दो। तो मैंने जैसे ही कट एक्सट्रूड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके डाल सकते हो कि 50 y में कितना डालना है, y में 150, x में 100, y में 70। तो आप ऐसे भी पैटर्न लगा सकते हो, 100, 150, ओके कर दो, तो ऐसे भी आप पैटर्न लगा सकते हैं। उसके बाद है फील पैटर्न। फील पैटर्न के लिए मुझे जितना भी ऑब्जेक्ट
को फील करना है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दूँगा। लाइक मुझे ये पूरा फेस चाहिए, तो मैंने पूरा फेस ले लिया है। और यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग, आपको कैसा पैटर्न लगाना है, पैटर्न लेआउट है, उसका डिस्टेंस है, आपको कितना डिस्टेंस पे रखना है, कितने डिग्री पे रखना है ये दोनों पॉइंट। अभी नॉर्मल में उसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ फीचर्स एंड फेसिस में। फीचर्स के अंदर जाओ, ये फीचर्स ले लो। तो अभी मेरा पैटर्न लगना गया है स्टार्ट। पहला ऑप्शन है परफॉर्मेशन, तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है ऐसा आएगा। दूसरा है सेंटर, सर्कुलर है, स्क्वायर है, अलग अलग आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वैसे आप पैटर्न लगा सकते हो। इसके अंदर में सेमी ऑप्शन हो गया इंस्टेंट टू स्किप, मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट नहीं चाहिए, जो भी पॉइंट नहीं चाहिए वो उसको अनमार्क कर दो और ओके करके पैटर्न लगा दो। तो ये हो गया फिल पैटर्न। अब आता है होल विजार्ड। होल विजार्ड में जाते हैं और हमारे पास अलग अलग टाइप के होल दिए हुए हैं। आपको काउंटर बोर्ड चाहिए, काउंटर सिंक चाहिए, होल चाहिए, नॉर्मली जो भी टाइप के आपको होल चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं स्टैंडर्ड टाइप के। मुझे अभी काउंटर बोर्ड वाला चाहिए होल, तो मैं काउंटर बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ। हांसी मैट्रिक में जाता हूँ, यहाँ से ISO सिलेक्ट कर देते हैं। ISO के अंदर भी साइज दी हुई है अलग अलग, M12, M16, जो भी आपको साइज का होल चाहिए वो ले लो। सो कस्टम साइजिंग, अगर आपको कस्टम साइजिंग भी चेंज करना है तो शो करके आप ले सकते हो। एंड कंडीशन, जो हमारा होल है वो कहाँ तक जाएगा उसके लिए भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसको भी आप अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यही ऑप्शन नॉर्मली दिए हुए हैं। अभी क्या करना है, पैटर्न होल करने के लिए हमको पोजीशन में जाना पड़ेगा और जो पॉइंट जहाँ पे भी आपको होल चाहिए वो फेस सिलेक्ट कर दो और पॉइंट रख दो कि मुझे एक होल यहाँ पे चाहिए, एक होल यहाँ पे चाहिए, एक होल यहाँ पे चाहिए। अभी मैं नॉर्मल व्यू कर देता हूँ और इसको स्मार्ट डायमेंशन में जाके स्मार्ट डायमेंशन दे दो ताकि फुल्ली डिफाइन हो जाए। अदरवाइज राइट क्लिक करके भी फुल्ली डिफाइन कर सकते हो और अदरवाइज यहाँ से भी फुल्ली डिफाइन स्केच करके आप अभी टेम्पररी स्केच को फुल्ली डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से ओके करो तो ये मेरा जो होल है